हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम बनाएंगे मीठे चावल, जिसको हम केसरी चावल भी बोलते हैं और बसंत पंचमी में भी बनाते हैं। बट नॉर्मली अगर हमारा कुछ मीठा खाने को दिल करे तो हम बनाते हैं। इसको बनाना बेहद से कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है। उनको इसको स्टीम देते हैं, इसको तड़का लगाते हैं देसी घी और सबका। और आज मैं बहुत ही आसान मेथड से आपको बनाऊँगी, इतने आसान तरीके से बनाऊंगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने चावल, मीठे चावल बनाए हैं मिनटों में। कुकर में बनाएंगे हम, सिर्फ दो विसल लगाएंगे। कैसे बनाए हैं मैंने ये इतने बढ़िया चावल, आप देख सकते हैं सारे खिले खिले से बने हैं, कोई भी चिपका हुआ नहीं है और कलर और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये मैंने कुकर में बनाए हैं ओनली टू विसल के साथ। तो चलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे और कितने ईजी मेथड से बनाए हैं ये चावल। मैं आपको दिखा देती हूँ कितने ही यम्मी लग रहे हैं। और एक एक दाना हमारा अलग अलग है, ये नहीं है कि खिचड़ी के जैसे ये इकट्ठे हो गए हैं अगर मैंने कुकर में बनाए हैं तो आप बहुत आसानी से इनको बना सकते हैं। मैंने प्लेन बनाए हैं, आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जो आपका मन करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना। सबसे पहले तो मैंने आधा घंटा चावल को भिगो के रखा हुआ है, इनको अच्छे से भिगो दिया है मैंने। अगर हम चावल भिगो देते हैं ना तो उसमें एक अच्छा सा चावल फूल भी जाते हैं और उनका साइज भी बड़ा हो जाता है, तो लंबे लंबे बनते हैं और खिले खिले बनते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने कुकर लेना है, कुछ नहीं करना, हमें तो कुछ करना ही नहीं है इस रेसिपी में, सिर्फ पानी डालना है। जितना पानी आपके चावल में जाएगा आप अपने अकॉर्डिंग से डालिएगा। मेरे एक गिलास चावल था तो मैंने डाला है डेढ़ गिलास पानी। उसमें मैं डाल दूँगी भिगे हुए चावल का पानी निकाल कर, चावल डाल देंगे हम इसमें। और दो विसल में हमारे इतने बढ़िया चावल बन जाएंगे, कोई ये चिपचिपे या इकट्ठे इकट्ठे नहीं होंगे, खिले खिले चावल बनेंगे हमारे और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे हमारा कलर, आपको फूड कलर पसंद है आप वो डाल दीजिए, आपके पास फूड कलर नहीं है अवेलेबल आप हल्दी भी डाल सकते हैं, उसमें येलो शेड आ जाएगा। मेरे पास फूड कलर था तो मैंने वो डाला है। आधा चम्मच मैंने डाला है, तीन बार डाला है चुटकी चुटकी, मतलब आधा चम्मच से थोड़ा कम है। और देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है इसमें। अब मैं डाल दूंगी हमारी चीनी, चीनी हम कम खाते हैं तो मैं अपने अकॉर्डिंग से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं ज़्यादा या कम। तो मैंने डाली है 5 से 6 चम्मच चीनी। उसके बाद हम डाल देंगे देसी घी, देसी घी मैंने डाला है 2 से 3 चम्मच बड़ा। और सब इनको एक साथ ही डाल देना है, कुछ आपको अलग से नहीं करना है। तो 2 से 3 चम्मच हम डाल देंगे देसी घी और 2 डालेंगे हम इलायची, कूटकर इलायची डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है चावल का। और घी डाल दिया है देख लीजिए मैंने। तो बस अब हमने नॉर्मली इसको हिलाना है। और अगर आपका कलर आपको दिखेगी कम है तो आप ऐसे करके हिलाकर चावल को ऊपर निकाल के देख लीजिए, अगर तो इसमें चावल में कलर अच्छा आ रहा है तो मतलब आपके कलर बिल्कुल परफेक्ट है, अगर कम लगे तो आप उसमें कलर और डाल सकते हैं। 2 विसल बजाई हैं मैंने, तो देख लीजिए हमारे चावल हो गए हैं तैयार, कोई इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल सूखे सूखे अच्छे खिले खिले चावल बने हैं 2 विसल में। तो चलिए हम एक बाउल में निकाल लेते हैं हमारे चावल्स को, तो देख लीजिए कितने बढ़िया चावल से हमारे तैयार हो गए हैं। बस इसमें 5 से 7 मिनट लगे हैं मुझे चावल बनाने में, कोई इतना तामझाम नहीं है। लॉकडाउन होने की वजह से कुछ ड्राई फ्रूट्स मुझे अवेलेबल नहीं मिला तो मैंने नहीं डाला है, हम प्लेन भी खा लेते हैं। बट आपने अगर ड्राई फ्रूट से अच्छा सा सजाना है तो आप जो चाहे अपना ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है और इतना बढ़िया कलर हल्दी का भी आता है, वो येलो शेड में बनेंगे। तो अगर बसंत पंचमी हो, अगर कोई आप केसरी चावल खाना चाहते हो, अगर मीठे चावल खाना चाहते हो तो ज़रूर से आप ट्राई करें, जैसे पुलाव बनता है ना वैसे ये चावल आपको आसानी से बन जाएंगे घर में। तो ये था मेरा वीडियो, मीठे चावल को घर में बहुत आसानी से कैसे बनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।